गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो मेट्रो की सौगात गोरखपुर को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा गोरखपुर को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। आइए जानते हैं मेट्रो कहाँ कहाँ से होकर चलेगी। तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। आर्यन केपीपी चैनल आपका स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम बात करते हैं गोरखपुर के मेट्रो की। तो मेट्रो का कहाँ कहाँ रेल स्टेशन होगा, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग नौसर चौराहे तक पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह नौसर चौराहा है, जो कि मेट्रो यहाँ से शुरू होकर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बस स्टैंड जो है पहले से मौजूद है, रोडवेज का यह बस स्टैंड है, और यहीं से मेट्रो की शुरुआत होगी, जो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ से शुरू होकर के ट्रांसपोर्ट नगर, गोलघर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, उसके बाद धर्मशाला को होते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, यह मेट्रो चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं मैप में जान लेते हैं कैसे होगा। यह है नौसड़ का मेन चौक। नौसड़ में भी काफ़ी विकास हुआ है जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा रोड हो चुका है, काफ़ी बेहतरीन रोड हो गया है। मेट्रो का कार्य भी गोरखपुर में शुरू हो गया है, आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं लाइव। इस साइड देखिए सरिया वरिया गिरा हुआ है बिल्डिंग के सामने, और मोटरसाइकिल चला के हम आगे आपको दिखा रहे हैं कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये रोड है नौसर से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए नौकायन जाता है। आप देखिए सरिया वरिया बद रहा है, ब्लू ब्लू जो टिन शेड लगा हुआ है इसके अंदर पिलरों का काम शुरू हो चुका है। देखिए लाइव देखिए, मेट्रो का कार्य शुरू हो चुका है। ये नौसर से जो ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए सब्जी मंडी होते हुए नौका विहार को जा रहा वही रोड है। ये 6 लेन बन चुका है, और 6 लेन के बीच में ही मेट्रो का कार्य हो रहा है। देखिए पिलर देखिए मेट्रो का। जी हाँ दोस्तों, तो जल्द ही गोरखपुर वासियों को मेट्रो में घूमने को मिलेगा। देखिए मेट्रो का कार्य बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। सरिया वरिया काफ़ी गिरी हुई हैं, और बहुत ही ज़्यादा सरिया एक मेट्रो पिलर में डाला जा रहा है। कुछ इस तरह से बनेगा मेट्रो स्टेशन। और ये रहा बाबा गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर, देखिए गेट कितना बढ़िया, मंदिर कितना बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली हम लोग खाने जा रहे हैं लिट्टी और चोखा। लिट्टी जो है उपल के कंडे में बनाया जाता है, जो गाय का शुद्ध गोबर होता है उसका उपले बनाते हैं। और इस तरह देख सकते हैं 5 लिट्टी और चोखा सिर्फ 25 रुपया में। कोई भी भाई अगर गोरखपुर का फेमस लिट्टी और चोखा खाना चाहता है तो रेलवे स्टेशन के गेट के बाहर यह लोग ठेला लगा करके रहते हैं, जो 100% शुद्ध होता है और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट होता है। ओनली सिर्फ 25 रुपीज़ में 5 लिट्टी और चोखा। तो हम लोग लिट्टी चोखा खाने जा रहे हैं। यहीं से शुरू होता है गोरखपुर का गोलघर शास्त्री चौक से, ठीक हमारे बाई साइड जिला अस्पताल है गोरखपुर से लगे हुए। आप ये देखिए वीडियो में हम शास्त्री चौक पर बिल्कुल खड़े हैं। देखिए इस साइड जो रोड जा रहा है बाई साइड वो जिला अस्पताल को जाता है, और दाहिनी साइड शास्त्री चौक, और इसके ठीक शास्त्री चौक के सामने जो सफ़ेद से बिल्डिंग देख रही है ये कलेक्ट्रिक कचहरी है। और आज जो है रेड लाइट हम जम कर सकते हैं। ये शास्त्री चौक है,
मुख्यमंत्री जी के आने के बाद काफ़ी खूबसूरत बन चुका है। और सामने से जो देखिए रोड जा रहा है वह दीवानी कचहरी को चला जाता है। मुख्यमंत्री जी के आने के बाद गोरखपुर में काफ़ी विकास हुआ है। गोरखगढ़ के नाम से गोरखपुर फेमस है। जी हाँ दोस्तों, ये सामने बाईं तरफ जो चार दीवारी देख रही है, बाउंड्री वॉल दिख रहा है, यहाँ पर तिब्बती मेला लगता है सर्दियों में। देखिए जो आपको सामने गेट दिख रहा है, ये देखिए इसके अंदर तिब्बती मेला लगता है, जो ऊनी कपड़े बिकते हैं। टाउन हॉल के नाम से यह बाउंड्री वॉल का अंदर का ग्राउंड फेमस है। गोल घर के हम बीचों बीच आ चुके हैं। गोल घर में भी एक मेट्रो का स्टेशन है जो जल्द ही बनेगा। यह है इलेक्ट्रिक बस जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। सिटी सेवा इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं गोरखपुर में। कुछ कुछ भीड़ है, लेकिन अब बाकी टाइम आएंगे तो भीड़ खचाखच रहता है, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल चलने को नहीं मिलता है। सरसों गिराने की जगह नहीं होती है, इतना रश होता है, इतना ट्रैफिक होता है। बहुत सी दुकानें बंद भी हैं आज। गांधी आश्रम भी बंद है। हाँ ये है खादी गांधी, बड़ा पछता है। सही है, ये है, ये है, ये है कोलकाता। ये बलदेव प्लाजा है, इसको लिखा नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ बलदेव। और ये वाला जो है ये गोल घर चौराहा है, गोल घर का मुख्य चौराहा है। ये है कोलकाता जो पानी में होता है कमल का फूल का। आप सामने देख पा रहे होंगे काली माता मंदिर, जो गोरखपुर के गोल घर में स्थित है। और माँ का मंदिर बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कोई भी भक्त अगर सच्चे दिल से इनसे कुछ मांगे तो माँ उसे कभी निराश नहीं करती हैं, झोलियाँ भर के ही वापस भेजती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ठीक सामने पटेल चौक है। देखिए सामने जो ऑरेंज कलर का बोर्ड दिख रहा है, गोल सा गुम्बज, ये है पटेल चौक। और यहाँ से बाईं तरफ धर्मशाला है, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर। हम दिखा रहे हैं आपको, चौक तक पहुँचने दीजिए। यहीं धर्मशाला पर ही दोनों मेट्रो ट्रेनों का संगम होगा, जो एक दूसरे से मिलेंगी। ये देखिए सामने जो ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, वही धर्मशाला है। धर्मशाला का ओवर ब्रिज, यहीं पर दोनों ट्रेनों का संगम होगा। यहीं पर मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्री एक दूसरे ट्रेन को बदल पाएंगे। पटेल चौक के साथ में देखिए गोरखपुर की रिजर्व पुलिस लाइन है। यहाँ पर हमेशा बहुत सारे पुलिसकर्मी रिजर्व रहते हैं, जो किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जान लेते हैं मेट्रो मैप। नौसर से होकर ट्रांसपोर्ट नगर, बेतियाता, कचहरी चौक, गोलघर, धर्मशाला। धर्मशाला पर ही दोनों ट्रेनों का संगम होगा, जो एक दूसरे से मिलेंगी। और यहाँ पर यात्री एक दूसरी ट्रेन में बदल पाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, धर्मशाला से होकर असुरन चौक, अशोक नगर, बशारतपुर, खजांची चौराहा, मुगलहा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक मेट्रो जाए। रेड लाइन की बात करें तो यह रेड लाइन मेट्रो मदन मोहन मालवी इंजीनियरिंग कॉलेज से होते हुए गोरखनाथ मंदिर को होते हुए श्याम नगर तक यह मेट्रो जाएगी। बीच में हमने बहुत सारे स्टेशनों को छोड़ दिया है,
नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।